भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव के बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है। कृति के इंटरव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगता है कि कृति काफ़ी मैच्योर है। कृति के जितने भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे उन्हें देखने के बाद आपको ये लगेगा कृति अपनी उम्र से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैच्योर है, काफ़ी मैच्योरिटी की बातें करती हैं। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि कृति अपने पापा के बारे में मीडिया में कौन सी न्यूज़ चल रही है सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन रखती हैं और उन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पापा को वो बताती भी हैं। वैसे खेसारी लाल यादव को बहुत कम टाइम मिलता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम बिता सके, लेकिन जितना भी टाइम वो बिताते हैं उतने में कृति यादव उन्हें मीडिया में उनके बारे में जितनी भी न्यूज़ चल रही है वो सारी बताती हैं। वैसे आपको बता दें कृति को सलमान खान बहुत पसंद है और कृति काफ़ी एक्साइटेड है कि उनके पापा जल्द ही बिग बॉस के घर में जाएंगे, जिसके चलते आजकल कृति यादव बिग बॉस बहुत देख रही हैं। बिग बॉस सीजन 13 की हर खबर से वो अपडेट रहती हैं। साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि मेरे पापा इतने फेमस हो चुके हैं कि सलमान खान भी उन्हें अपने शो में बुलाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि जब खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर में जाएंगे तब कृति भी उनके साथ होंगी, पर वो स्टेज तक ही उनके साथ रहेंगी। उसके बाद खेसारी लाल यादव अकेले ही बिग बॉस 13 के घर में एंट्री करेंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ वो स्टेज तक जाएंगी और सलमान खान से ज़रूर मिलेंगे। जी हाँ, कृति सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है, इसलिए सिर्फ सलमान खान को मिलने का मौका वो मिस नहीं कर सकती। इसी कारण वो खेसारी लाल यादव के साथ बिग बॉस के स्टेज तक जाएंगे और सलमान खान से मिलकर उन्हें ये बताएंगे कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वैसे कृति बड़े होकर फिल्मों में काम बिल्कुल नहीं करना चाहती और खुद खेसारी भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। कृति बड़े होकर IPS ऑफिसर बनना चाहती हैं, जो कि खेसारी खुद चाहते हैं कि उनकी बेटी एक IPS ऑफिसर बने। तो पिता के इच्छा अनुसार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव IPS ऑफिसर ही बनना चाहती हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या रिएक्शन होता है बिग बॉस 13 के घर में जब खेसारी लाल यादव जाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।